स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में, और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Redmi Note 8 Pro की। ये है मेरे पास बॉक्स और ये है मेड इन इंडिया। 6GB रैम और 64GB बेस वेरिएंट है। कलर जो मैंने लिया है वो लिया है शेडो ब्लैक, कुछ हाइलाइट्स दी हुई हैं। 64MP का अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन कैमरा दिया गया है, क्वाड कैमरा सेटअप है। आगे पूरी डिटेल से हम बात करेंगे, तो करते हैं इसकी सील ब्रेक। और देखिए आप वीडियो को अंत तक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बॉक्स हो चुका है हमारा अनबॉक्स और ये निकल रहा है बड़े ही आराम से। और सबसे ऊपरी ऊपर मिलता है हमें ये एक सेक्शन, जिसके अंदर हमें मिल जाता है एक सबसे ऊपरी ऊपर तो मिल जाता है हमें सिम इजेक्टर टूल, जो कि है बहुत काम की चीज़। हम चेक करेंगे सबसे पहले यही कि ये हाइब्रिड स्लॉट है या नहीं है। उसके बाद में हमें इसमें मिल जाता है ये कुछ छोटा सा हल्का सा पेपर वर्क, और उसके साथ में ये ब्लैक कलर का आने वाला सॉफ्ट TPU केस, जो कि है एकदम सॉफ्ट, तो ये फ़ोन को स्क्रैच होने से बचाएगा। तो इसको रखते हैं हम साइड में। अब आते हैं हम हमारी मेन यूनिट पे, और ये है हमारी मेन यूनिट जो कि रियल में काफ़ी हैवी वेट है। इसका वेट बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन इसको रखते हैं एक बार हम साइड में। उसके बाद में देखते हैं क्या हमें मिलता है। ये है वो पावर एडाप्टर जो कि इसकी रेटिंग है वो है 9V 2A, यानी कि 18W का ये फास्ट चार्जर है, और क्विक चार्ज को ये सपोर्ट करता है, क्विक चार्ज 3 को सपोर्ट करता है। तो ये इसकी काफ़ी अच्छी बात है कि ये बॉक्स में हमें मिला है। और उसके बाद में हमें ये मिल जाती है एक USB Type-C वाली केबल, जो कि इस फ़ोन को जल्दी से करेगी चार्ज। अब जाते हैं हम हमारी मेन यूनिट के ऊपर, और ये है हमारी मेन यूनिट। बॉक्स को रखते हैं हम एक बार इनको साइड में, और उतारते हैं इसके प्लास्टिक रैप्स। और ये है हमारी मेन यूनिट, और सामने से भी उतारते हैं हम। और ओवरव्यू की अगर हम फ़ोन की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम नीचे की अगर बात करें, तो हमें मिल जाती है लेफ़्ट साइड में सबसे अच्छी चीज़, जो कि है 3.5mm जैक। सेंटर में मिल जाता है USB Type-C पोर्ट, उसके बगल में मिल जाता है प्राइमरी माइक्रोफोन, और सबसे यहाँ राइट साइड में मिल जाता है हमें स्पीकर ग्रिल। राइट साइड की अगर हम बात करें, तो नीचे की तरफ मिल जाता है पावर लॉक अनलॉक बटन, ऊपर की तरफ हमें मिल जाते हैं वॉल्यूम रोकर बटन्स। फ़ोन की अगर बॉटम साइड की अगर हम बात करें, तो बॉटम साइड में हमें राइट साइड में मिल जाता है सेकेंडरी माइक्रोफोन, ऊपर मिल जाता है ईयर पीस, और उसके नीचे लगा हुआ है सेल्फी कैमरा, और उसके साइड में बगल में लेफ्ट साइड में हमें मिल जाता है IR ब्लास्टर। अगर हम बात करें फ़ोन के लेफ़्ट साइड की, तो ये है यहाँ पे मिलते हैं हमें 2 स्लॉट। अब देखते हैं इनमें क्या क्या है। और ये जो स्लॉट है, इसके अंदर हम डाल सकते हैं एक मेमोरी कार्ड और एक सिम, और जो सेकंड स्लॉट है वो है शायद प्राइमरी सिम के लिए, और ये हमें मिल जाती है एक और प्राइमरी सिम है उसकी ट्रे। तो डेडिकेटेड माइक्रोएसडी स्लॉट भी मिल जाता है हमें, और ड्यूल वोल्टेज का सपोर्ट मिल जाता है। अब बात करते हैं हम फ़ोन के रियर साइड की। रियर साइड में नीचे हमें मिल जाता है रेडमी का ब्रांड लोगो, उसके बाद में हमें मिल जाता है यहाँ लिखा हुआ 64MP AI सुपर कैमरा। जो प्राइमरी कैमरा है वो है 64MP का, उसके बाद में 8MP का है अल्ट्रा वाइड एंगल, उसके बाद में 2MP का जो कैमरा है वो मैक्रो कैमरा, और 2MP का जो कैमरा है वो है डेप्थ सेंस के लिए, और साथ में मिल जाता है हमारे LED फ्लैश। और नीचे यहाँ ये वाला हमें मिल जाता है एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि है एक अच्छी बात कि ये लगता नहीं है कि यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ फ़ोन हो चुका है हमारा बूट, और सबसे पहले जाएंगे हम सेटिंग में, और सेटिंग में देखेंगे हमें एंड्रॉयड 9 पाई के साथ में MIUI का जो वर्जन है वो वर्जन 11 मिलता है या 10.4 मिलता है, और इसमें जो वर्जन है वो मिलता है हमें 10.4। और फ़ोन में जो प्रोसेसर है वो है MediaTek Helio G90T प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर Snapdragon 730G के इक्वल का। सिक्योरिटी टेस्ट है वो मैं इस फ़ोन में कर चुका हूँ, फिंगरप्रिंट है वो काफ़ी फास्ट है। फेस अनलॉक है वो थोड़ा सा स्लो है, इसमें इनको अपग्रेड करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी फ़ोन में हमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है, फ़ोन को हीट होने से बचाएगा, और गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कुल मिला के मेरे हिसाब से ज़बरदस्त पैकेज है, इस प्राइस में अब तक का ये किंग साबित होता है। साथ में 4500mAh की बैटरी मिलती है हमें। ये मैं शूट कर रहा हूँ Redmi Note 8 Pro से, और ये दिखा रहा हूँ मैं आपको एक व्यू इवनिंग का, और देखिए आप कैसा लगता है आपको ये नज़ारा। और जो क्वालिटी है वो कुल मिला के ठीक है।
अब मैं लेता हूँ एक सेल्फ़ी, और ये है सेल्फ़ी जिसमें डिटेल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से हैं। अब ये जो फ़ोटो ली गई है ये है 64 MP के कैमरा से, जो कि डिटेल है वो काफ़ी शानदार हैं। आगे ये जो कुछ फ़ोटोएँ हैं ये मैं ले रहा हूँ मैक्रो कैमरा से, जो कि है एकदम बारीक से, एकदम मतलब एकदम नज़दीक से ली हुई फ़ोटो हैं, जो कि काफ़ी कमाल की लगती है। तो ये चीज़ इसकी काफ़ी सबसे अच्छी चीज़ यही लगी मुझे। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। जो बेस वेरिएंट है 6 GB 64 GB, उसकी प्राइस है 15,000 रुपये। 6 GB 128 GB है, उसकी 16,000 रुपये। और 8 GB 128 GB टॉप वेरिएंट है, उसकी प्राइस है 18,000 रुपये। इस प्राइस में ये बेस्ट है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।